अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद आयशा। होपफुली माय यूट्यूब फैमिली सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में बनाया जा रहा है मीठा, जो हमारा रिवायती मीठा है गाजर का हलवा, और वो भी बनाया जा रहा है विदाउट मिल्क। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मस्त करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कैरेट्स जो है उनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट करके तो रख लिया था, उसको वॉश करके अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखा है इसमें ऐड करके, तो इसको हम करेंगे सिंपली स्टीम। इसमें मैंने 5 से 6 अदर जो इलायचियाँ हैं वो ऐड की हैं। कैरेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो मुझे थोड़ी सी ना मुश्किल हो रही है इसको बनाने में। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जो है हलवा मैं बना रही हूँ, तो होपफुली आप लोग इंजॉय करेंगे मस्ट। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम कवर करके रखते हैं कि स्टीम करने के लिए स्लो जो है आंच पे, तकरीबन जो है ये स्टीम हो जाएंगी विद इन 3 आवर्स। मैंने इसको स्लो जो है ना आंच उस पर स्टीम किया है, तो ये बहुत अच्छे से बहुत स्लोली स्टीम हुई है, बहुत ही मज़े की। ये देखिए खोया बन गई है गोदी, तो इनको अच्छे से जो है ना स्टीम कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बटर और इसको करेंगे बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई, ताकि इसके अंदर जो पानी है थोड़ी सी जो कमी बेशी हो अच्छे से जो है ना सॉर्ट आउट हो जाए। प्लीज़ सपोर्ट मस्त करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है मस्त अपना फीडबैक दिया करें। यहाँ पे ऐड कर लिया शुगर, शुगर अकॉर्डिंग आप अपने जो है ना टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बटर, ये फ्रेश बटर है होममेड, तो इसको भी यहाँ पे मैंने उसके पीसेस करके ऐड किया है। बहुत ज़्यादा जो है ना हीट है बिकॉज जो ये इसका पतीला है काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से जो है ना इसका स्मोक नज़र आ रहा है ज़्यादा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नज़र आए, इसको थोड़ा सा ना मैं थोड़ा फ्लेम कम कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। ये देखिए अच्छे से इसकी बुनाई कर रही हूँ मैं इसके साथ, और इसमें जैसे ही बटर ऐड हुआ है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन आ गई है। देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी मैंने बुनाई की है और विदाउट मिल्क के बना रही हैं। इसके अंदर अब हमने ऐड कर लिया है खोया, खोए को हम यहाँ पे मिक्सर अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसके साथ भी कम से कम 2-3 मिनट के लिए हम इसको जो है ना मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, ताकि खोया इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह से इक्वली जो है ना ये सारे हलवे के अंदर मिक्स हो जाए। आफ्टर देन इसमें हम ऐड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बिकॉज़ ये ऑलरेडी जो थे ना ये साल्टेड रोस्टेड थे, तो मुझे इनको ना घी में इनकी बुनाई नहीं करनी पड़ी। अगर आप कच्चे ले रहे हैं तो आप इनको ना एक दफ़ा थोड़ा सा मस्ट जो है देसी घी में या बटर में फ्राई करके ऐड करें। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह, अभी इसको हम करते हैं सर्व। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं चलो एक नई वीडियो में, टेक केयर, आउट ऑफ योर सेल्फ, इन्जॉय करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।